19 साल का लड़का है जो कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का रहने वाला और किंग्स ऑफ पटना गिरोह जो बाइकर्स गैंग चलता है उसका सदस्य है। 30 तारीख को पुलकित उर्फ धोनी नाम के लड़के की हत्या हुई थी, उसमें एक और जो अपराधकर्मी है वो पकड़ा गया जिसका नाम अविनाश कुमार उर्फ सूरज है, उसको गोली मारी थी शिवजी, उसने कल ही शाम को कोर्ट में जाके आत्मसमर्पण कर दिया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना के शास्त्री नगर में हुए धोनी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारियां हुई हैं और अब एक बार फिर से शास्त्री नगर पुलिस ने एक और युवक 19 साल के युवक को उठा लिया है। इस मामले में अभी भी कई युवक जो है, कई बाइकर्स गैंग के सदस्य फरार चल रहे थे, उसमें एक युवक को शास्त्री नगर पुलिस ने उठा लिया है। जिस मामले का खुलासा करते हुए पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। आप जानते हैं कि 30 तारीख को पुलकित उर्फ धोनी नाम के लड़के की हत्या हुई थी जब वो चौमिन की दुकान पे नयचक के पास खड़ा था तो उसको गोली मार के हत्या की गई थी। इस कांड का उद्भेदन पहले हो चुका है जिसमें अमन नाम का जो एक अपराधकर्मी है पहले भी जेल जा चुका है और हम लोगों ने हथियार भी रिकवर किया था। उसी पे ही जब हम आगे का डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमारी टीम लगी हुई थी, जो बाकी शूटर्स आइडेंटिफाइड हुए थे तो उसमें एक और जो अपराधकर्मी है वो पकड़ा गया जिसका नाम अविनाश कुमार उर्फ सूरज है। ये 19 साल का लड़का है जो कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का रहने वाला और किंग्स ऑफ पटना गिरोह जो बाइकर्स गैंग चलता है उसका सदस्य है। और इसी के जब पकड़ा गया तो इसी की दबिश में जो मेन आदमी जिसने उसको गोली मारी थी शिवजी, उसने कल ही शाम को कोर्ट में जाके आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में टोटल 3 बाइक से जो खुलासा हुआ है, 3 बाइक से 9 लोग गए थे जिसमें से बाकी भी सभी की पहचान हो चुकी है और इनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वही जो वर्चस्व की लड़ाई होती है इनकी आपस में, बाइकर्स की आपस में और मोहल्ले में, 3 दिनों से इनका जो लड़ाई चल रहा था, इससे पहले भी दोनों का सर भी फटा था दोनों पक्षों की तरफ से, उसी में ही उसी रंजिश में और प्रतिद्वंद्वता में ये मर्डर हुआ है। इसमें जो धोनी है वो इन्होंने बताया है कि वो भी इस प्रकार से अवैध और विवादित ज़मीनों पर कब्जा कराने के लिए लोगों को लेके जाता था, ये लोग भी लेके जाते थे और इसी वर्चस्व में इन लोगों का आपस में दोनों ग्रुप्स का लड़ाई चल रहा था। पहले लोग एक साथ थे, उसके बाद लगभग 2-3 महीने से आपस में विरोध इनमें प्रकट हुआ था। जिस प्रकार इसकी गिरफ्तारी से जो मेन शूटर है वो आत्मसमर्पण किया है और एक और उस घटना में शामिल अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। तो आपने सुना कि किस तरह से ये भी उस मामले में शामिल था। हालांकि अभी भी लगातार छापेमारियां की जा रही हैं, पुलिस की निगाहें बाइकर्स गैंग के उन सदस्यों पर है जो इस मामले में शामिल थे। 3 बाइकों से अपराधी जो हैं 9 की संख्या में शास्त्री नगर इलाके में पहुंचते हैं। धोनी जब चौमिन खा रहा होता है तो अपराधी उसे बीच बाजार ठोक देते हैं। इस मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और एक बार फिर से पटना पुलिस ने एक और युवक को उठा लिया। अब देखना है कि इस मामले में जितनी फरारी चल रही है तो पटना पुलिस कब तक उन फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने में कारगर साबित होती है। बैड़ा इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।